गठबंधन हो ही नहीं सकता, छोड़ो। अच्छा। कोई गठबंधन नहीं, और गठबंधन कैसे होगा? अभी हमने कहा कि 10 की 10 सीटों पे हम लड़ेंगे, फिर गठबंधन कैसे होगा? अगर फिर भी यानी बेशरम होके बैठे रहे तो अलग बात है। जो आज चलो आज आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है इसके बारे में बताएंगे आप? हाँ, ये कन्वोकेशन थी राजीव गांधी महाविद्यालय की और बीरेंद्र सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग की, और ये अपने आप में एक ऐसी चीज है जो दो संस्थाओं का एक दिन कन्वोकेशन हो और उसमें तकरीबन 200 विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को जिन्होंने डिग्री हासिल की है उनको ये कन्वोकेशन में गवर्नर हमारे जो हरियाणा के महामहिम दत्तात्रेय जी हैं उन्होंने सबको दिया और सम्मानित किया। और मैं ये समझता हूँ कि कन्वोकेशन के माध्यम से बच्चे अपनी जिंदगी में आगे जब निकलते हैं तो इन चीजों को याद रखते हैं, और कोई अच्छा व्यापक स्तर पे बच्चों को कोई शिक्षा जिससे कि उनके जीवन में एक नई सोच पैदा हो आगे बढ़ने की, वो बहुत जरूरी है और वो उन्होंने किया है तो इनसे सीखते हैं। मैंने तो ये कहा, हमने दो बार मौका मिला मेरे को, लेकिन मैं तो कन्वोकेशन में जा ही नहीं सका, चांस की बात होती है तो, लेकिन बच्चों को इससे सीख मिलती है और हमारे इलाके में शिक्षा की कमी रही है। अब ये दो विद्यालय जो हैं, कॉलेजेस जो हैं, ये कोशिश में है कि कुछ ना कुछ यहाँ शिक्षा के माध्यम से नई बात हम पैदा कर सकें। सर, आपने कहा कि अगर बीजेपी और बीजेपी गठबंधन में रहता है तो मैं जो है बीजेपी छोड़ दूंगा, तो वही अब बीजेपी किसने कह दिया? किसने कह दिया? एक मिनट, ना ऐसे मत बोल, इसकी बोल 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 नहीं, आपने जब रैली निकाली, अरे भैया आप फिर बोल ना, आपने जब रैली की थी आपने ये कहा था कि बीजेपी और बीजेपी गठबंधन है तो मैं नहीं रहूंगा। तो कन्वोकेशन में ये सवाल पूछने के, तू मेरे को पॉलिटिकल बात कर, फिर बैठ जा, आ जा मैदान में। पॉलिटिकल नहीं, ऐसे नहीं है, इसके बारे में 20 बात करो, या फिर ये करो कि आप आओ एक दिन, फिर आपके नहीं, जे जे पी के भी। नहीं वो तो ठीक है जी, एक लोग जैसे एक नई बात डिक्लेयर होना भी है तो क्या बृजिंदर सिंह इस हार से दोबारा चुनाव लड़ेंगे? लड़ेगा क्यों नहीं, सिटिंग एमपी है भाई उसका, और उससे बेटर क्या क्लेम हो सकता है? अभी कल दिग्विजय ने बयान दिया है कि दिग्विजय कौन होता है, वो अपनी पार्टी का बयान दे, उससे हमारा क्या मतलब? नहीं, वो कहते हैं कि अगर गठबंधन होगा तो 4 सीट उनके अंदर आएगी, और वो कहते हैं कि डमी कैंडिडेट बताया गया उन्होंने ब्रजेंद्र सिंह को, कहते हैं कि डमी कैंडिडेट है पर हम कार्यशील। हाँ, उन जैसा तो कार्य करने वाला है नहीं कोई, 4 साल यहाँ उचाड़े में जितना काम उन्होंने किया है आज तक 100 साल में किसी ने नहीं किया। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या कहना चाहेंगे? मैं इसी बारे में कह रहा हूँ, जितना दिग्विजय के भाई ने यहाँ लोगों की जिंदगी को बिल्कुल ऐसा कर दिया, स्वर्ग में हैं लोग, ऐसा कोई नहीं कर सकता। 4 साल लोगों को धोखा देके वोट लेके गए और धोखे से फिर जाके जिस पार्टी को गाली देते थे उसी पार्टी के अंदर बैठ गए बीच में जाके, कौन उन पे इतबार करेगा? मैं कहता हूँ चुनाव लड़ो, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे।